स्वागत है सबका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन मोर पे। मैं हूं डॉक्टर राम। तो आज का ब्लॉग है इंस्टाग्राम से लेकर सौंदर्य तक का। इंस्टाग्राम से सौंदर्य का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 187 किलोमीटर। तो अगर मैं रूट की बात करूँ तो आज का रूट हमारा होने वाला है इंस्टाग्राम जी बोरगांव चिकोड़े थ्रू होते हुए हम पहुंच गए सौंदर्य में। तो अभी बस सुबह के तकरीबन 7:30। तो घर में सब सुबह जल्दी उठे थे, सुबह 3 बजे लेकर यहाँ पे तैयारी हो रही थी। तो सौंदर्य जहाँ पे आप रेणुका देवी का टेम्पल एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हो, वहाँ पे पूजा का क्या क्या विधि रहता है। तो कुल मिला के सब जर्नी आपको देखने को मिलेगी इस ब्लॉग में। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। मंदिर में जाने से पहले हमने सुबह जल्दी उठ के कर ली घर की मंदिर की पूजा। पूजा करने के बाद सब सामान गाड़ी में रख के गाड़ी को तिलक लगा कर कपूर जला के नारियल फोड़ के हम निकल पड़े सुबह 7 बजे। सौंदर्य को जाते हुए आप सबसे पहले जिस नदी को क्रॉस करते हो वहाँ पे आपको कपूर जलाना पड़ता है। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए पंचांग नदी पर हमने जला लिया कपूर। सौंदर्य इंडिया के हर एक मेजर सिटी से बाय रोड वेल कनेक्टेड है। सौंदर्य का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है धारवाड़, जो कि मेन सौंदर्य से तकरीबन 40 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है। अगर आप बाय फ्लाइट सौंदर्य आना चाहते हो तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है बेलगाम, जिसकी दूरी है सौंदर्य से मात्र 87 किलोमीटर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए अभी महाराष्ट्र के बाउंड्री में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है शिवनाकवाड़ी। तो यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कर्नाटक स्टेट का यहाँ पे बस आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैरिकेड लगे हुए हैं। तो अभी हम ऑफिशियली कर्नाटक स्टेट में एंट्री कर रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की बाउंड्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं कर्नाटक स्टेट में। तो गाइस अभी बज रहे सुबह के 10। तो अभी मैं आ चुका हूँ गोकर्ग में। तो अभी वक्त है ब्रेकफास्ट का। तो यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ प्रकार का एक गोकर्ग स्टैंड है। तो अगर आप गोकर्ग आते हैं तो यहाँ का फेमस वाटरफॉल देखना मत भूलना, जो कि इंडिया के नागरा के नाम से फेमस है। यहाँ पे मेरे देख सकते कुछ इस प्रकार का होटल है। और यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस होटल में जाके मैं करूँगा ब्रेकफास्ट। गोकर्ग से सौंदर्य का डिस्टेंस है 67 किलोमीटर। यहाँ के रास्ते काफी अच्छे बनाए गए हैं। जोगलबावी से पहले आपको मलप्रभा नदी का बैकवाटर दिखाई देगा, जहाँ पे कई सारे भक्तजन स्नान करने के साथ साथ पूजा करके इसके आगे के पड़ाव सत्यवा टेम्पल के लिए रवाना होते हैं। तकरीबन 4 घंटे की जर्नी कवर करने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ सौंदर्य में। यहाँ से मेन टेम्पल अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो कपूर नदी का बैक वाटर है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके बोटिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे अभी बोट चल रही है। जब मैं पहले यहाँ पे आया तो यहाँ पे टिकट एंट्री नहीं थी। अभी फिलहाल यहाँ पे कार के लिए 20 रुपीज एंट्री कर दी गई है। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट आ गए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके नहा भी सकते हो। ऊपर जो कुंड है वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। अगर आप चाहें तो वहाँ भी नहा सकते हो। नहाने के बाद आपका पूजा का विधि चल जाता है। तो जोगल बाबा सत्यवा टेम्पल को जाने के लिए आपको 30 रुपये एंट्री फी देनी पड़ेगी। सत्यवा टेम्पल के सामने ही आपको दिखाई देगा एक कुंड, जिसका नाम है सत्यवा कुंड। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से आपकी त्वचा संबंधी सभी बीमारियाँ दूर हो जाती है। इसी कुंड में स्नान करने के बाद नए कपड़े पहनकर आप मेन रेणुका मंदिर की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे कई सालों से एक प्रथा चलती आ रही है जिसको निमन्ना कहा जाता है। इसमें मुँह और कमर को नीम के पत्ते बांधे जाते हैं और मंदिर की पूरी प्रदक्षिणा लगाई जाती है। पूरी प्रदक्षिणा होने के बाद पूजा करके इस नीम के पत्ते को मंदिर के ठीक पीछे उतारा जाता है। कई सारे भक्तजन अपनी मन की इच्छा पूरा होने के बाद इसी प्रकार का नवस यहाँ पे आके पूरा करते हैं। ये सब होने के बाद आप आखिर में देवी की पूजा करके प्रसाद चढ़ाकर मेन रेणुका मंदिर की तरफ जा सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर के बाहर। तो यहाँ पे धूप बहुत है और पानी की यहाँ पे काफी दिक्कत हो रही है। मेरा जो 5 लीटर का कैन था वो खत्म हो गया, इसलिए अभी मैं आ चुका हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं होटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुल मिला के 5 बिस्लरी बोतल ले लिए। तो ये भी मुझे कम पड़ रहा है ऐसा लगेगा। तो देखेंगे आगे पानी मिलता है कि नहीं है।
तो खाना खा के मैं सीधा मिलता हूँ आपको सीधा बाद में। फरवरी महीने में आने वाले रंडो पौर्णिमा के दिन इस जगह इस देवी का मेला लगता है, इसलिए काफ़ी सारे भक्तजन यहाँ पे आते हैं। अगर आप फरवरी या मार्च में यहाँ पे आते हो तो आपको ट्रैफिक का दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैं खड़ा रास्ते के बीचों बीच, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। हार्डली 1.5 किलोमीटर कवर करने के लिए मुझे लगा तकरीबन 3 घंटे, और यहाँ से अभी 3 किलोमीटर जर्नी यहाँ पे बाकी है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप फरवरी मार्च में यहाँ पे आना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ है। तो अभी देखेंगे कि अभी आगे जाने में मुझे कितना वक्त लगता है, तो मुझे लगता है शायद 8 बज जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको आगे का व्यू दिखाता रहूँगा। ये लम्मा टेम्पल सिद्धाचल पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, जिसका निर्माण रायबा के बोमना नायक ने सन 1514 में करवाया था। ये मंदिर जमदगिनी की पत्नी और भगवान परशुराम की माँ रेणुका माता से संबंधित है। मंदिर के आसपास आपको कई सारे पूजा के सामान के स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। इस देवी को विल्माताई के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कन्नड़ में अर्थ होता है 7 बच्चों की माँ। मेले के दिन देवी के पालखे का यहाँ पे जुलूस निकलता है। उस दिन कई सारे भक्त जन नाचते और झूमते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे। अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी भीड़ है। अगर आपको तत्काल यहाँ पे दर्शन लेना है तो आपको यहाँ पे 100 रुपए पे करना पड़ेगा। अगर आपको 10 मिनट दर्शन करना है तो यहाँ पे आपको 300 रुपए करने पड़ेंगे। VIP टिकट लेने के बाद आपको इसी गेट से मंदिर के अंदर जाना होता है। अगर भीड़ कम हुई तो आपके 10 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। मंदिर के अंदर फोटो और वीडियोग्राफी करना मना है। दर्शन लेने के बाद आप इसी गेट से बाहर निकलते हो। गेट के ठीक सामने आपको दिखाई देगा बड़ा सा LED बोर्ड, जिसपे माता रेणुका की LED पे तस्वीर बनाई गई है। मंदिर के ठीक पीछे आपको दिखाई देगा कुमकुम कुंड। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से या इसका पानी पीने से आपकी सभी बीमारियाँ दूर हो जाती है। ठीक इसके सामने आपको दिखाई देगा पवित्र परशुराम मंदिर। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने इसी जगह पर बैठ के तपस्या की थी। तो कुछ इस तरह का मेरा ब्लॉग था सौंदर्य का। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।